मैं सुमित और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्रेजी अनबॉक्सिंग में। गाइस बचपन में आप लोगों ने स्लेट का यूज तो जरूर करा होगा। गाइस चॉक एंड स्लेट यूज करने के बाद हम कॉपी और पेपर और पेन पे हम यूज करने लगे, लेकिन चीजें अपग्रेड होती गई, जैसे जैसे हम बड़े होते गई टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, तो आज हमारे पास ऐसे ही एक LCD राइटिंग पैड। गाइस टेक्नोलॉजी थोड़ी अपग्रेड कर दी गई है, हमारी जो स्लेट चौक आती थी उसे अब LCD डिस्प्ले में कन्वर्ट कर दिया गया है। LCD डिस्प्ले है और एक पेन साथ में मिलता है जिसकी मदद से हम उस पर कुछ लिख सकते हैं, उस पर कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं। खास बात ये है गाइस, ना उसमें आपको कपड़े की जरूरत पड़ेगी ना डस्टर की जरूरत पड़ेगी। वो गाइस उसमें सिर्फ एक आपको डिलीट बटन मिलेगी, आप डिलीट बटन को प्रेस करके सब चीज डिलीट मार सकते हो और दोबारा से आप उस पर कुछ लिख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग होगा उस पर लिखना और ड्रॉ करना। चलिए जल्दी से हम करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसे वो वर्क करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस इसे मैंने मंगाया अमेज़न से, तो गाइस चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं अपने स्टाइल में। इसे काटा कैसे जाए, तो गाइस इसे हम काटेंगे बड़े नाइफ से। तो गाइस इस पे कुछ चीजें मेंशन करा गया है और ये पीछे के साइड भी आप देख सकते हो। तो गाइस ये है हमारे पास 8.5 इंच का राइटिंग टैबलेट, तो चलिए जल्दी से इसे निकाल के देखते हैं। इसके ऊपर कुछ चीजें मेंशन करा गया, आप इसे पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस देखो इसके ऊपर भी यहाँ पे गाइस की पैकेजिंग तो काफी यूनिक सी लग रही है, क्योंकि इसकी जो कवर है व्हाइट वाली काफी हटके लग रही है। मुझे लग रहा है कुछ गाइस ये लग रहा है किसी डायरी टाइप का, लेकिन ये डायरी है नहीं। तो इसके ऊपर भी एक चिप स्टिकर टाइप की लगी पड़ी है, तो हम इसे भी काटेंगे अपने नाइफ से। वो तो गाइस ये कट चुकी है, अब आपके पास स्पेस है। वो तो गाइस पैकेट के ऊपर गाइस देखा इसके ऊपर रैपर, फिर ये फोम कवर डाला हुआ है इसके ऊपर। गाइस ये है हमारी वो गाइस जो भी है आपके सामने है, हम इसे रखते हैं साइड में। तो गाइस जो इसकी डायमेंशन है वो 8.5 इंच की है, और इसकी थिकनेस की बात करूं तो यहाँ पे मुझे मेरे ख्याल से ये 2 mm की है। गाइस बहुत ही ज्यादा स्लिम है ये, गाइस इसे कहीं भी आप कैरी कर सकते हो। तो चलिए इसका वर्क देखते हैं हम। गाइज इसके फ्रंट लुक आप देख सकते हो, यहाँ पे पैन इसका दिया हुआ है जिस पैन से हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसकी ब्लैक कलर की यहाँ पे फ्रेम है, और साइड से आप देख सकते हो 2 mm की इसकी थिकनेस है। और बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर लिखे है। नीचे की साइड हमारा यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया गया, ये क्यों दिया गया इसे मैं वीडियो में आगे मेंशन करूंगा, ये ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे क्यों दिया गया। तो गाइज फ्रंट के साइड पे आपको यहाँ पे एक होल दिया गया है जहाँ आप इसे किसी कील वगैरह में इसे टांग सकते हो। तो गाइस देखा आपने इसकी लुक, देखो यहाँ पे। तो गाइस इसकी पैन निकालते हैं, अगर पैन निकालने की बात करूं मैं तो ये बस हल्का सा आपको इसके ऊपर की तरफ इसे पुल करना है। गाइस ये हमारे पास पैन निकल के आ गया है, इसका निब देख सकते हो आप ब्लैक कलर का यहाँ पे। अब जल्दी से चलिए हम इसे रिक के देखते हैं। पहले मैं पीछे की बटन ऑन कर लेता हूँ, ये हमारा ऑफ है अभी, ये ऑन हो गया और हम इस पे अब कुछ लिख के देखते हैं। अपना पहले चैनल का नाम लिखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का इसका डिस्प्ले है, और इसके ऊपर जो हम लिख रहे हैं वो ग्रीन कलर में, हमारी लाइट ग्रीन कलर में ये डिस्प्ले हो रही है, यानी कि जब हम इस पे लिखते हैं तो ये ग्रीन कलर की हमारी डिस्प्ले होगी यहाँ पे ऊपर। तो गाइस आप इस पे कुछ भी वर्क कर सकते हो। तो गाइस है ना बिल्कुल ये स्लेट की तरह। गाइस देखा आपने इस पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो और आसानी से इसमें डेट मार सकते हो। और अगर आपका बाय चांस ये पेन खो गया या गुम हो गया तो इसी तरह का आप कुछ यूज में ले सकते हो। गाइस ये आपके लिए बहुत ही यूजेबल चीज है, इस पे आप नोट्स बना सकते हो, रिमाइंडर सेट कर सकते हो, या फिर बच्चों को आप इस पे कुछ सिखा सकते हो। और गाइस एक चीज मैं आपको जो ऑन ऑफ का बता रहा था, आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू है। तो गाइस यहाँ पे बैटरी डला हुआ है, बैटरी इसलिए डला हुआ है ताकि ये हमारे डिस्प्ले को वर्क कर पाए, डिस्प्ले
ग्रिड का इसको जो ऑप्शन दे रखा है, पर आप क्लियरली दे सकते हो यहाँ पे जब हम डिलीट कर रहे हैं कुछ लिख के, हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं तो ये डिलीट हो जा रहा है। ये सिर्फ हमारा बैटरी की वजह से हो पा रहा है। और यहाँ पे जो ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ नीचे देखो, यहाँ पे जो ऑन ऑफ का बटन दिया गया है आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये इसलिए दिया गया ताकि आपका बैटरी जल्दी खत्म ना हो। गैस बैटरी आपसे आप निकाल भी सकते हो और उसे रिप्लेस भी कर सकते हो, ज्यादा कॉस्टली नहीं, आपका 10-20 रुपए में आपका बैटरी आसानी से आ जाएगा। तो गैस और कुछ खास इसमें बताने लायक है नहीं आपका। अगर आपको अगर आपको एक पैन दोबारा लगाना हो तो यहाँ पे इसके निप पॉइंट को आप पहले लगाओगे और यहाँ पे इस तरह से आप इसे लगा दोगे और आसानी से इसको दबा देना, और निकालना होगा तो तब भी आप आराम से इसे खींच के निकाल सकते हो। और गाइस आप देख रहे होगे यहाँ पे मेरा सेड वगैरह इस पे कुछ भी नहीं आ रहा, लिखने के बाद भी ये हमारे हाथों से नहीं मिटेगा और ना हमारा सेड यहाँ पे आ रहा है। तो इजी टू यूज है गाइस, आप कुछ लिख देते हो और अगर आपको लगा कोई गलती से हमारा डिलीट हो जाएगा तो आप इससे पीछे से बंद कर दोगे, इसको ऑफ कर देना और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। तो गाइस ये डिलीट नहीं हो रहा हमारा, गाइस वो ऑफ करने के बाद ये डिलीट नहीं होगा। और गाइस हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आपको ये परचेस करना है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हो। गाइस आप बच्चों के लिए या अपने ऑफिस यूज के लिए या नोट्स बनाने के लिए आप इसे पर्सनल यूज में ले सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी LCD राइटिंग टैबलेट। वैसे तो इसे आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मैं इसे करने वाला हूँ गिव अवे। अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसकी सिंपल सी क्राइटेरिया गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक हमारी सेकंड चैनल भी एक्सपेरिमेंट वाली, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। गाइस उस पे अगर हमारी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाती है तो मैं इसका गिव अवे अनाउंसमेंट कर दूंगा, आप जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहां पे किसी एक लकी विनर को ये आपको फ्री में मिल सकता है।